ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विभिन्न कॉलोनियों में निवास करने वाले रहवासियों द्वारा लगातार कॉलोनाइजर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की जा रही थी, जिसे लेकर निगम सभागार में निगम आयुक्त ने कॉलोनाइजर्स एवं इनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर बैठक ली और उचित दिशा निर्देश दिए। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत कई कॉलोनाइजर्स द्वारा कॉलोनियां बनाई गई हैं और इनके घर बेचने से पहले ग्राहकों को कई लोक लुभावन वादे किए गए थे, जो कॉलोनाइजर्स द्वारा अभी भी पूरा नहीं किया गया है, जिसे देखते हुए भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास ने क्षेत्र के कई कॉलोनियों का दौरा कर कॉलोनाइजर्स को हिदायत दी थी कि वे अपने वादों को पूरा करें। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बार पुनः निगम सभागार में कॉलोनाइजर्स और उनके प्रतिनिधियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें एक बार फिर कॉलोनाइजर्स के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की हिदायत देते हुए हर घर के सामने दो पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए गए एवं कॉलोनियों में खाली पड़े स्थानों पर भी पेड़ लगाने निर्देशित किया गया है। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय ने कॉलोनियाइजर्स और जो एसोसिएशन वगैरह हैं उनकी जो पदाधिकारी हैं उनकी बैठक ली है और मेन मुद्दा जो था आज की तिथि में कि मच्छर का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए हम लार्वा को समाप्त करके जो एडल्ट बनने की जो अवस्था होती है मच्छर की, उसको लार्वा की स्थिति में ही समाप्त कर दें, इसके लिए कॉलोनी वालों के जो है अभियान चलाने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। इसमें कई सारे जो इश्यूज़ हैं जो कॉलोनी वाले जो रहते हैं उनके साथ में जो निगम का पार्ट होता है, जैसे टैक्सेशन के लिए सिविल लगाना होगा, पेयजल की कुछ व्यवस्था के लिए जो बल्क कनेक्शन की बात आती है उन पे चर्चा हुई है, उनके समस्याओं से जो है अवगत कराया गया है। इसके अलावा जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीनरी का पार्ट है जिसमें प्लांटेशन करना है कॉलोनाइजर्स को, वहाँ पे हर घर के सामने जो है वो दो पेड़ लगाए कम से कम, उनकी संरक्षण कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, गमले लगा सकते हैं। इस प्रकार से जो है कॉलोनाइजर्स के साथ में जो उनका पार्ट है और जो निगम के जो पार्ट हैं उनको लेकर समन्वय स्थापित करके कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं, उसके लिए आज की बैठक हुई है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से निगम भिलाई आयुक्त रोहित व्यास द्वारा कॉलोनाइजर्स को दिए गए निर्देशों का पालन कराने हेतु अन्य अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे भिलाई क्षेत्र हरा भरा और पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र में तब्दील हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।